नमस्कार, मैं रोशन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आ गया है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे, उसमें तीन चीज़ होती है। अगर पेशेंट का पल्स नहीं चल रहा, ब्रीदिंग नहीं है और पेशेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तब हम ये मान के चलते हैं कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आया है। और इसको पहचानने के कैसे पहचानने के लिए सबसे पहले हम पेशेंट का रिस्पांस चेक करेंगे। पेशेंट है तो पेशेंट को उसके नाम से बुलाना है, तेज तेज उसके यहाँ पे प्रेस करना है, उसके नाम से बुलाना है। अगर पेशेंट का कोई रिस्पांस नहीं आ रहा तो पल्स चेक करना है, जो यहाँ पे पल्स होता है। पल्स भी अगर नहीं चल रहा है तो हमें कार्डियक कंप्रेस की जरूरत पड़ती है। तो कार्डियक कंप्रेस कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जैसे पेशेंट यहाँ पे लेटा हुआ है तो पेशेंट के हम राइट साइड में अपना पोजीशन लेंगे इस तरह से। इस तरह से पोजीशन लेने के बाद हमें ये जो हैंड है इस तरह से हमें बैंड करना है। हमने ये बैंड कर लिया और इस बीच में ही हमें वहाँ पे जो पेशेंट के अटेंडेंट है या हमारे इमरजेंसी टीम के कोई भी मेंबर वहाँ पे है तो सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे, उनको इन्फॉर्म के लिए बोलेंगे कि आप डॉक्टर को इन्फॉर्म करो। और वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे तब तक हमें कार्डियक कंप्रेस शुरू कर देना है। अब वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। ये आपने ये बैंड करना है, हाथ हमने बैंड कर लिया और ये इस तरह से पोजिशन लेना है पेशेंट के राइट साइड से। और एक मिनट के अंदर 100 से 120 कंप्रेस करना है और वो कंप्रेस वो हार्ड होना चाहिए और फास्ट होना चाहिए। और वो कैसे वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए ये बेड पे नहीं हो पाएगा, मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। तो हम कंप्रेस कैसे करेंगे ये देखिए। ये इस वाले हेल से हमें कंप्रेस देना है, इसको हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये हमने निप्पल के बिल्कुल बीच में हमने ये हैंड को पंजा को रख दिया है और इस पंजे से हमें कंप्रेस करना है। एक मिनट के अंदर 100 से 120 कंप्रेस होना चाहिए, जो अभी मैं आपको करके दिखाने वाला हूं। इस तरह से हमें कंप्रेस देना है और हमें कंप्रेस तब तक कंप्रेस देंगे तब तक डॉक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे और डॉक्टर का वेट करना है। जो आगे का इंस्ट्रक्शन है हम डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन से ही सारा काम करेंगे। एकदम से कंप्रेस छोड़ना भी नहीं है, जैसे वो बताएंगे वैसे हमें करना है। थैंक यू सो मच।